हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसा पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की थी हाउ टू लर्न इंग्लिश, और उस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमें अगर रूटीन वर्क या हैबिचुअल एक्शंस या बहुत सारे और यूजेस जैसे प्रोवर्ब्स या साइंटिफिक और ज्योग्राफिकल फैक्ट्स, इन सब चीज़ों के बारे में हमें कुछ लिखना है या बोलना है तो हमें प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना पड़ता है, और उसके लिए बेस फॉर्म जो वर्क की है फर्स्ट फॉर्म या ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ में हमें एस या ईएस लगाना पड़ता है कुछ सर्टेन कंडीशंस में, और वो कंडीशंस होती है सब्जेक्ट के लिए कि वो सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट के अनुसार हमें वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाना पड़ता है। तो मैंने उसे वापस एक छोटा सा प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्या किया था वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रीवियस सेशन में रूटीन वर्क सिर्फ मैंने लिखा है क्योंकि रूटीन वर्क की ज़्यादातर हमें ज़रूरत पड़ती है लिखने के लिए या बोलने के लिए। तो इन शॉर्ट आई है रिटर्न, शॉर्ट में मैंने लिखा है कि वर्क फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, और वो आपके पास नोट्स हैं ही या वीडियो पहले वाला है ही, उसमें आप देख सकते हो कि फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज़ करना है, आई वी यू दे और नाउन प्लूरल के साथ में हमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। सेकेंडली मैंने लिखा है वर्क फर्स्ट फॉर्म एस ई एस, इसके अंदर हमें सब्जेक्ट देखना पड़ता है, अगर सब्जेक्ट अगर ही है या सी है या इट है या नाउन सिंगुलर का कोई केस बनता है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमें एस या ईएस जोड़ना पड़ता है, और कैसे जोड़ते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ सर्टेन लेटर्स हैं जो वर्ब के एंड में आते हैं वो मैंने आपको बता रखा है, और उसके अनुसार डिफाइन कर लेते हैं कि एस जोड़ना है या ईएस जोड़ना है। फिर भी मैं बोल के बताता हूँ, लाइकवाइज सपोज आई हैव टू स्पीक फॉर माई सेल्फ, आई गो स्कूल एवरी डे, बट इफ आई हैव टू स्पीक फॉर समवन थर्ड पर्सन के लिए ही गोज स्कूल एवरी डे। क्या फ़र्क आया दोनों में? मैंने अपने लिए कोई भी ऐसी एस का प्रयोग नहीं किया वर्क के साथ में, वेर एज आई हैव टू यूज़ एस और ईएस फॉर अदर पर्सन, सो दैट द डिफरेंस इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। एंड मोर ओवर वंस यू राइट और स्पीक विद दिस फॉर्मेशन यू गेट द हिंदी ता है, मैं जाता हूँ वो आता है एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब आज की बात है, आज इसी से थोड़ा बढ़कर, ये भी इसी कैटेगरी का ही है, बट क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या चीज़। तो अंग्रेजी में एक फॉर्म है बी, बी यानी होना, होना मीन्स है मीन्स प्रेजेंट नेचुरली, तो उसके लिए बी फॉर्म को डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर पाते हैं बहुत सारे स्थानों पर, उससे हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है एज पर द रिक्वायरमेंट। अब वो रिक्वायरमेंट हमारी क्या है प्रेजेंट में, तो जब हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है बी फॉर्म का प्रेजेंट में, तो वो बनकर आ जाता है इज आर एम। ये यहाँ पे वर्क की तरह कार्य करेगा। अब इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न है लोगों को, वो आगे मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा, वो आप देखना बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा, और आज लिखने की या बोलने की कैपेसिटी और बढ़ने वाली है अगर आपने ध्यान से सुना। तो फाइनली देखिए आप क्या फ़र्क आ रहा है, यहाँ ता है आता, देखो आप जाता है वर्ब के साथ ता और है आता है। यहाँ जनरली अगर आप इसको ही सिर्फ यूज़ कर रहे हैं इज आर एम को, तो सिर्फ आपको हे दिखाई देगा हिंदी में। तो मैं इसका एक छोटा सा यूजेस कैसे अपन इसको यूज़ करें जैसे डिफाइन करने के लिए, दिमाग में रखने के लिए मैंने दो पॉइंट्स लिख के रखे हैं पहले से ही। एनीथिंग विच एग्जिस्ट इन प्रेजेंट, कोई भी चीज़ जो वर्तमान में अस्तित्व में है, अस्तित्व में होने का मतलब क्या है, जो भी आपके पास चीज़ें हैं वो अस्तित्व में है, या फिर कोई चीज़ आपकी प्रेजेंट की कंडीशन बतानी है या स्टेटस बताना है, स्थिति बतानी है, उसके लिए हमें बी फॉर्म ही यूज़ करनी पड़ती है प्रेजेंट के लिए, और बी फॉर्म का मतलब इज आर एम। और अगर आप इज आर एम का प्रयोग करेंगे एज ए मेन वर्ब तो आपकी हिंदी जनरली हे निकलेगी। जैसे मैं अभी वर्बली बोल के बताता हूँ, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, भारत एक महान देश है, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो आप देख रहे हो कि जो हिंदी में एंडअप हो रहा है इसका वो हे के साथ में हो रहा है। इसी से थोड़ा अगर हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि और हम नंबर्स भी बता सकते हैं इसी फॉर्म को यूज़ करके, या कोई सिचुएशन है वो भी बता सकते हैं, उसके लिए हमें देर का प्रयोग करना पड़ता है, देर के बाद बी फॉर्म यूज़ करते हैं। अब बी फॉर्म देर के साथ कैसे यूज़ करेंगे, अगर हमारा केस सिंगुलर होगा तो हम क्या करेंगे, देर के बाद में इज का केस ले लेंगे, और अगर प्लूरल होगा तो हम देर के बाद में आर का प्रयोग कर लेंगे।
और इसके बाद में कुछ जोड़ेंगे, वो अभी मैं सब आपको प्रैक्टिस में दिखाता हूँ। तो आज का मेन टॉपिक तो अभी यही है कि हम पहले बी फॉर्म का प्रयोग करना सीखें और दोनों का डिफरेंस जानना जरूरी है कि अगर हम मेन वर्ब बेस फॉर्म वर्ब की यूज़ करते हैं तो क्या हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, तो उसमें रूटीन वर्क ज़्यादातर कवर हो जाता है। और इसके अंदर जब बी फॉर्म यूज़ करते हैं तो जो चीज़ें एग्जिस्ट करती है हमारे आसपास, जिसमें हमें हिंदी में हे का प्रयोग करना पड़ता है लास्ट में, वो सारी चीज़ें हम बी फॉर्म से लिख सकते हैं। तो आइए हम जरा प्रयोग देखते हैं इसका, कैसे इसका किया जा सकता है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिख के बताता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा, फिर मैं फॉर्मेशन ही बना दूंगा इसका, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। लेट अस सी हाउ वी कैन डू। सपोज आई मेक ए फॉर्मेशन, तो वो फॉर्मेशन ये बन के आ जाएगी कि सब्जेक्ट मैटर तो लेना ही, जिसके बारे में आपको बोलना है या बात करना है, तो आपका सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें लेना है इज आ रहा है या आर आ रहा है या एम आ रहा है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें चाहिए ही और चाहिए ही, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद हम क्या जोड़ सकते हैं, फर्स्ट केस में तो हम सिर्फ नाउन ही जोड़ के देख लेते हैं कि कोई नाउन जोड़ देते हैं, या एडजेक्टिव प्लस नाउन का केस बन सकता है, एडजेक्टिव जोड़ लेंगे और उसके बाद में नाउन आ जाएगा, बात एक ही है, दोनों फॉर्मेशन एक ही चीज़ है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूं, कुछ लोगों को अगर ये डाउट भी है, इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल वाला खेल नहीं है, आई के साथ हमें एम का प्रयोग करना पड़ता है और ही और सी और इट ये सब थर्ड पर्सन है, दो दे आर सिंगुलर ओनली, इनके लिए इज का प्रयोग करेंगे। अगर नाउन केस सिंगुलर है नेचुरली, तो फिर नाउन केस आपका अगर सिंगुलर बन रहा है तो नाउन केस सिंगुलर के लिए भी इज का प्रयोग कर लेंगे। और अब क्या बच गया, आई तो हमने ले लिया, यू, अब यू जो है सेकंड पर्सन है वैसे, और वैसे केस सिंगुलर का होता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, यहाँ पर आपको तो पर्सन देखना है, तो यू है, वी है, दे है और नाउन प्लूरल केस, नाउन प्लूरल आप समझते हो, बहुवचन इन हिंदी। इसके लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, आर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अभी क्लियर हो गया कि भाई सब्जेक्ट में अगर आई आ रहा है तो हम एम का प्रयोग करेंगे, अगर इनमें से कुछ आ रहा है इज का प्रयोग करेंगे, और इनमें से अगर कुछ आ रहा है प्रोनाउन केस या नाउन प्लूरल केस में तो हमें आर का प्रयोग करना। बस ये फॉर्मेशन तैयार हो गई है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन, वी हैव सो मच वास्ट एरिया विच वी कैन कवर बाई दिस फॉर्मेशन। लेट अस सी हाउ वी यूज, देखते हैं कैसे इसका प्रयोग हम करते हैं। मैंने अभी फॉर्मेशन छोड़ रखी है आप लोगों के लिए, बस ये मैच करने के लिए कि आप देखो, सपोज आई से फॉर समवन ही इज ए डॉक्टर, उसका एग्जिस्टेंस है या उसकी जो प्रेजेंट स्टेटस है वो डॉक्टर है, सो ही इज ए डॉक्टर। सपोज आई स्पीक फॉर माई सेल्फ, देन आई हैव टू से आई एम ए टीचर, ये हो गया। If I have to give status of someone else, she is a nurse. Likewise, suppose I say anything about the weather, it is too hot today. तो आपने देखा होगा ये, और मैं अगर यहाँ पे एक यू का भी प्रयोग कर लेता हूँ, यू आर ए गुड बॉय, तो आपने देखा होगा एडजेक्टिव भी यूज़ कर लिया मैंने, नाउन भी, तो ये सारे इस तरीके से प्रयोग होते हैं और बहुत लंबा एरिया है, बहुत जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, जैसा मैंने पहले बताया आपको, वैसे इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री, इंडिया इज़ एन एंशिएंट कंट्री, मतलब आपकी वक्त भी होनी चाहिए इसके बाद में। अगर आपके पास वोकैबुलरी नहीं हो तो फिर क्या होगा वो भी देखते हैं। इसलिए मैंने पहली क्लास में ही बोला था कि अंग्रेजी की फॉर्मेशंस तो बहुत ही आसान होती है, उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ़ यू प्रैक्टिस वंस और ट्वाइस यू कैन लर्न, बट द फैक्ट इज़ दैट इफ़ यू डोंट नो वोकैब, अगर आपको वोकैब नहीं आती है तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करके बताता हूँ, फिर आप कह नहीं सकते कि आपको अंग्रेजी नहीं आती, आती है, लेकिन आपके वोकैबुलरी वीक होने की वजह से शायद आपको समझ में नहीं आएगा या आप समझ नहीं पाओगे या लिख नहीं पाओगे। ही इज एन
इंटेलिजेंट बॉय। मुझे नहीं लगता कि ये वाक्य अगर लिखा हुआ है, अगर कोई बोल रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, सभी को समझ में आएगा, क्योंकि सभी को पता है इंटेलिजेंट यानी होशियार एंड बॉय यानी लड़का। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसको रिप्लेस कर रहा हूं, अगर मैं यहां पे इसकी जगह पे लिख दूं ही इज एन ऑप्टियूस बॉय। अब ये अगर नहीं पता है कि इसका क्या मतलब है तो शायद अर्थ समझ में नहीं आएगा, जबकि फॉर्मेशन तो वही थी। तो यहाँ पे मेरा यह बताने का कारण यही है कि अगर आप वक्फ तैयार करते रहेंगे तो आपकी अंग्रेजी सुधरेगी। सिर्फ फॉर्मेशन से अंग्रेजी नहीं सुधरती है, मैं बार बार इसको इंसिस्ट कर रहा हूँ, रिपीटेडली आई एम टेलिंग यू, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दैट अनलेस एंड अंटिल यू प्रिपेयर योर वक्फ दीज फॉर्मेशंस आर यूजलेस, बट इफ़ यू प्रिपेयर दिस vocab and vocabulary power is strong and all these formations are so useful then you will feel English is so easy। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसलिए आप लोग vocab तैयार करना शुरू करें, कहीं से भी तैयार कर सकते हैं, आपके पास बुक्स होगी उससे करें। आगे जैसे जैसे क्लासेस चलेगी मैं कुछ लिखवाने की भी कोशिश करूँगा। तो एक तो ये केस हम लोगों ने आज सॉल्व कर लिया कि भाई कोई भी एग्जिस्टेंस है, प्रेजेंट का स्टेटस है, उसको अगर हमें लिखना है या बोलना है तो हमें बी की फॉर्म यूज़ करना। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो ये आपको भरना भी आ सकता है प्रेजेंट की स्टेटस के लिए, और ये आपका मेन वर्ब है। अब क्या होता है, यहाँ से आगे कन्फ्यूजन भी बढ़ देगा। कई लोग हमेशा बचपन से इज आर एम को एक हेल्पिंग वर्ब की तरह सीखते रहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, यूज़ होगा अभी अगले वाले स्टेप में जब हम जाएंगे, इसको हेल्पिंग वर्ब बना देंगे और दूसरा वर्ब यूज़ करेंगे एज ए मेन वर्ब। लेकिन इस स्थिति में यही मेन वर्ब है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो एक सेंटेंस होता है वो सेंटेंस तभी माना जाता है अंग्रेजी में जब उसके अंदर मिनिमम एक क्रिया हो, और इसमें यही एक क्रिया मानी जाएगी, और इससे इस जो स्थिति निकलती है वो है की आती है हिंदी से अगर मैच करें तो। तो आई फील कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इससे अगला स्टेप मैंने जो देयर लिख रखा था वो कहाँ यूज़ करें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई प्रेजेंट का लिखोगे या फैक्चुअल चीज़ें लिखोगे तो आपको बहुत सारी जगह पे देयर की फॉर्मेशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो चलो उसको भी क्लियर कर लेते हैं। उसकी फॉर्मेशन मैंने लिख के रखी थी, बट अगेन आई राइट सो यू कैन जस्ट सी, ये जो फॉर्मेशन है ये देयर से चलेगी। अब देयर पहले आएगा, देयर सिचुएशन बताने के लिए, नंबर्स के लिए होता है। अब यहाँ बी की फॉर्म आपका क्या है, या तो इज प्रयोग कर सकते हो या यार, एम का प्रयोग नहीं होगा। इसके आगे आपका नाउन जुड़ेगा, और नाउन आपका सिंगुलर है या नाउन प्लूरल है उस पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या यूज़ करना है। नेचुरली अगर नाउन सिंगुलर है तो आपको इज का प्रयोग करना पड़ेगा, और नाउन अगर प्लूरल है तो आर का प्रयोग करना पड़ेगा। बस सिंपल सा फॉर्मेशन तैयार हो गया। अब कैसे प्रयोग करें, मान लो कि मैं एक लेख लिख रहा हूँ मेरे स्कूल के बारे में या मेरे गाँव के बारे में। चलो गाँव के बारे में सोचते हैं कि मेरे गांव में एक मंदिर है, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लिखना है उस आर्टिकल में। तो सिंगुलर केस बन रहा है तो मैं क्या करूँगा, देयर इज ए टेम्पल। अगर मैं स्कूल के बारे में लिख रहा हूँ और स्कूल में एक लाइब्रेरी है उसके बारे में मुझे कुछ लिखना है तो मैं ऐसा लिख दूँगा, देयर इज ए लाइब्रेरी इन माई स्कूल। इस प्रकार से देयर का प्रयोग करेंगे। अब मान लो कि कुछ संख्या बताने की, मेरे क्लास के अंदर 25 लड़के हैं, ऐसा कुछ लिखना है स्कूल के बारे में। देयर आर, क्योंकि प्लूरल केस है सो देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। तो आई होप आपने समझ लिया होगा कि बी फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, और जब प्रेजेंट सिंपल की बात होती है तो अगर वो श्रेणी से माना जाए तो ये भी प्रेजेंट सिंपल की श्रेणी में कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ हो रही है। बट एग्जैक्टली इट इज़ नॉट प्रेजेंट सिंपल, इट इज़ कंसिडर टू बी सेपरेट फॉर्म लाइक ए बी फॉर्म, इसे अलग से ही माना जाता है बी फॉर्म। लेकिन जब मैचिंग कराने की बात है कि तुलना करेंगे भाई ये कौन से टेंस के साथ में इसको मैच कराया जा सकता है, तो आपने देखा होगा बी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ही है और इसलिए इसको प्रेजेंट सिंपल के कैटेगरी में रखा जा सकता है। लेकिन बहुत सारा कन्फ्यूजन है इसके बारे में, आई थिंक वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा, और आपको टेंस के नाम से जानने की बजाय
आपको उसके यूजेस से जानना बहुत जरूरी है कि अगर मुझे रूटीन लिखना है तो कौन सी फॉर्मेशन यूज़ करेंगे, और अगर मुझे कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या प्रेजेंट का स्टेटस है उसके लिए हमें कौन सी फॉर्मेशन यूज़ करनी है। अगर ये डिफ्रेंशिएशन आप करते चले जाओगे तो आप बहुत ही जल्दी सीख जाओगे। सो फॉर द डे थैंक यू वेरी मच, एंड नेक्स्ट क्लास आई वुड बी टीचिंग यू समथिंग मोर। फॉर द डे इट्स ऑल ओवर, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, एंड इफ यू लाइक सब्सक्राइब अस एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।